सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल डेडिकेटेड टू साइंस, ताकि आपको साइंस टेक्नोलॉजी एजुकेशन के वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन में हेल्प हो सके। बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन अबाउट द डीएनए। मैंने जो प्रीवियस वीडियो डाले थे उसमें मैंने एक्सपेरिमेंट डाले थे जिससे वेरीफाइड होता है डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटीरियल। दो एक्सपेरिमेंट थे और उसके बाद मैंने डाला था वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, उसी के साथ कंटिन्यू करूँगा मैं। और ये है वाटसन एंड क्रिक मॉडल जो उन्होंने अज्यूम किया था, जिसको मैंने ड्रॉ किया है कॉपी पे, देख सकते हैं आप इसको। सो उसके अकॉर्डिंग डीएनए जो था डबल हेलिक्स था, दो स्टैंड हैं इसके, 5'3'3'5', एंटी पैरेलल इसमें स्ट्रैंड है और बेस पेयरिंग है, और इसके माइनर ग्रुप हैं और मेजर ग्रुप हैं। दो इसके मेजर ग्रुप हैं, ये बड़े ग्रुप हैं, दो इसके बाकी माइनर ग्रुप्स हैं ये। और इसका जो डिस्टेंस है ग्रुप्स का मेजर का 3.4 नैनोमीटर, और यहाँ पे जो बेस पेयर का डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर, और नीचे जिसका डायग्राम है डायमीटर 2 नैनोमीटर है। ये वाटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल दिया है उसी के अकॉर्डिंग है। उसके बाद मैं थोड़ी यहाँ डिस्कशन करूँगा अबाउट द चार्गफ रूल। जो चार्गफ थे उन्होंने डिस्कशन की थी काफ़ी, इसके ऊपर स्टडी की थी, और उन्होंने बताया था हमें, सो अकॉर्डिंग टू द चार्गफ द जो नाइट्रोजीनियस बेस्ड हैं, जो एडिनिन प्लस ग्वानिन, इसका जो अमाउंट है थायामिन एंड साइटोसिन के अमाउंट इक्वल होता है, और एडिनिन एंड थायामिन से बाइंडिंग होती है बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन की होती है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। हो एवर ए प्लस टी इक्वल टू जी प्लस सी बट नॉट 100% इक्वल, और दिस इज़ द मेन रीज़न। यानी ए प्लस टी का जो रेशियो है जी प्लस सी के रेशियो में हमेशा बराबर नहीं आएगा। इसी से उन्होंने एस्टिमेट किया था ह्यूमन में एडिनिन का अमाउंट होता है यहाँ पे 30.9% और थायमिन होता है 29.4%, ग्वानिन होता है 19.9% और साइटोसिन होता है 19.8%। और उसके बाद उन्होंने बताया था जो रेशियो है ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी, ये वेरी करती है स्पीसीज टू स्पीसीज वन अनदर, और इसमें शुगर जो है जो डी ऑक्सी राइबोज शुगर होती है और फास्फेट बॉन्ड के साथ जुड़ी होती है। तो इसके ऊपर डिटेल में अब डिस्कशन होगी, तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो में डाल सकूँ। और इस वीडियो में मैं आपको डीएनए के बारे में बताऊँगा, और डीएनए की डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं उसमें जो एक्स्ट्रा नोट्स हैं, जो हाई लेवल का मटीरियल, वो आपको मैं आज प्रोवाइड कराऊँगा, क्योंकि जो बेसिक्स हो प्लस वन प्लस टू की बुक्स है उसमें इतनी डिटेल नहीं है, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा नेट में और नीट में भी। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं नाइट्रोजीनियस बेस जो हैं दो तरह के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। पहले प्यूरिन देखते हैं। प्यूरिन जो है ये 9 मेम्बर रिंग्ड है, हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, और इसमें एडिनिन एंड ग्वानिन आते हैं, और ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। और उसके बाद देखिए पिरिडीन, पिरिमिडीन तीन तरह के होते हैं, थायमिन साइटोसिन यूरेसिल, ये सिंगल हेक्सागनल कंपाउंड होते हैं एंड दे कंटेन अमाइनो ग्रुप सी डबल बॉन्ड हो, और आपका जो एडिनिन है वो 9 मेंबर हैं, ये 6 मेंबर हैं। तो ये आपको पता है यहाँ पे यूरेसिल आरएनए में होता है और आरएनए में थायमिन नहीं होता, तो ये आपको बेसिक सा ज़रूरी था बताना, या आप डिटेल में नोट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो दिस इज़ द लॉन्ग चेन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड 5'3'3'5'। इसका क्या मीनिंग है आज मैं आपको क्लियर कराऊंगा। शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट आपस में जुड़े होते हैं, ये बैकबोन प्रोवाइड कराते हैं दोनों की, डीएनए मॉलिक्यूल की बैकबोन होता है शुगर फास्फेट। और सल्फर जो यहाँ पे शुगर है इसके साथ थायमिन एंड एडिनिन बाइंड हो रहा है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, यहाँ आता है ग्वानिन साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। और इसका बेसिसली प्रूफ भी है यहाँ पे, इन्होंने डिस्कस किया था और स्टडी से पता चला है। यहाँ पे जो स्पेस की बात करें, स्पेस इन द डीएनए डबल हेलिक्स सूट ओनली फॉर प्यूरिन एंड 1 पिरिमिडीन,
यानी कहते हैं प्यूरिन और प्यूरिन या पिरिमिडिन एंड पिरिमिडिन क्यों नहीं बाइंड करते, क्योंकि इसमें बेस्ट जो सूटेबल स्पेस उन्होंने क्रिस्टेलोग्राफी से फाइंड आउट किया है उसके अकॉर्डिंग प्यूरिन एंड पिरिमिडिन का जो क्लोज स्पेस आता है बाकी का दूर आता है। यहाँ आप देख सकते हैं प्यूरिन एंड प्यूरिन आर टू वाइड, ये वाइड हैं प्यूरिन प्यूरिन, यहाँ प्यूरिन एंड पिरिमिडिन आर टू नैरो, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन क्लोजली एसोसिएटेड है, तो ये ऐसे इनमें बाइंडिंग होती है, ये एक्सरे से हमें डाटा मिला है। नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हो इस वे में यहाँ बॉन्डिंग होती है एडिनिन एंड थायमिन में, डबल बॉन्ड बने हैं, और यहाँ ग्वानिन एंड साइटोसिन के ट्रिपल बॉन्ड ऐसे होते हैं। ये डीऑक्सी शुगर का एंड है, यहाँ डीऑक्सी शुगर का एंड है, यहाँ जो लॉन्ग चेन बनी है इस फॉर्म में बनती है, यहाँ इसका फाइव डैश एंड है शुगर का, फाइव डैश कार्बन, इसलिए इसको फाइव डैश एंड बोलते हैं। समझ आ गया आपको फ्रेंड्स फाइव डैश का मीनिंग क्या है, यानी यहाँ जो फास्फेट ग्रुप जुड़ेगा जो पाँच नंबर कार्बन डीऑक्सी राइबोस है उसके साथ जुड़ेगा, और नीचे जो जुड़ेगा वो थ्री डैश एंड पे जुड़ेगा, यानी थ्री नंबर पे जुड़ेगा। ऐसे ही आपको यहाँ मिल जाएगा, सॉरी जुड़ेगा यहाँ पे, बट इसका फ्री जो होगा यहाँ थ्री कार्बन होगा शुगर का, यहाँ फाइव डैश से जुड़ा है और ऊपर आपको थ्री डैश एंड शुगर का अवेलेबल मिल जाएगा। यहाँ आप इसको नोट कर सकते हो, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, तो ऐसे यहाँ आप इसको स्टडी कर सकते हो। आगे जो मेन है इसमें आप यहाँ देख सकते हो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए, डीएनए अलग अलग कौन सी फॉर्म होती है और कैसे भी मिलता है। फर्स्ट हम यहाँ बात करेंगे वी फॉर्म ऑफ डीएनए, जो आपने वाटसन क्रिक मॉडल देखा है वो एक्चुअली है वी फॉर्म ऑफ डीएनए, और ये काफ़ी ऑर्गेनिज्म में मिलता है और ये इसको मोस्ट स्टेबल भी कह सकते हैं। उसके बाद डीएनए डबल हेलिक्स है, हेलिक्स बॉन्ड अराउंड राइट हैंड ये कॉइलिंग होती है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जो इसके दो स्ट्रैंड हैं डबल हेलिक्स के एंटी पैरलर हैं और ये प्लिटेनिकली कॉइल्ड होते हैं। द न्यूक्लियोटाइड एरेड इन फाइव टू थ्री डैश ओरिएंटेशन एंड थ्री टू फाइव डैश ओरिएंटेशन इन ऑपोजिट स्टैंड। सो इसमें बेस पेयरिंग आपको ये मैंने करवा दिया, चार गफ रूल रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ये भी आपने इसमें देख लिया है। नाइन नैनोमीटर सॉरी अबाउट इसमें दिया है, जो अप्रॉक्सीमेटली होता है अप्रॉक्सीमेटली टू नैनोमीटर तक बन जाता है इसका जो डायमीटर। उसके बाद 34 जो इसका डिग्री हेलिक्स विथ तो सिक्स बेस पेयर टिल्ट ट्विस्ट एंगल होता है, जो इसकी टिल्टिंग एंड ट्विस्टिंग बताइए, जो इसमें बनता है बेस पेयर किस फॉर्म में, इसमें कर्व बनती है कौन सा एंगल बनता है, ये भी सारा इसमें पता है। उसके बाद आप देखते हो नेक्स्ट जो डीएनए है डीएनए ए, जो ए टाइप का डीएनए है फ्रेंड्स इसमें आपको मेजर डिफरेंस क्या है ए एंड बी में, इट इज़ द सी टू एंडो सेंट कन्फर्मेशन ऑफ फॉर बी फॉर्म सी थ्री एंडो कन्फर्मेशन इन ए, यानी बी जो डी एन ए इसमें सी टू एंडो कन्फर्मेशन होती है और आपका जो ए है इसमें सी थ्री होती है। जो अगला इसमें मेन डिफरेंस है डैट इज़ द न्यूक्लिक एसिड इज़ द प्लेसमेंट ऑफ द बेस पेयर विद इन द डुप्लेक्स, इन द बी फॉर्म बेस पेयर आर ऑलमोस्ट सेंटर्ड ओवर हेलिक्स हेलिक्स एक्सिस, बट इन ए फॉर्म दे आर डिस्प्लेस अवे फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, यानी ए में सेंट्रल एक्सिस से थोड़े बेस पेयर पेयर अवे होते हैं, बट जो आपका बी है उसमें सेंट्रल एक्सिस के अराउंड ही एक सिमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज होते हैं। और ये भी राइट हैंड कॉइल्ड है, इसमें 11 बेस पेयर होते हैं पर टर्न, और उसमें आपको मैंने बता दिया था कितने बेस पेयर होते हैं, अब आपको उधारी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज 0.29 नैनोमीटर एक्सिस राइज ऊपर चढ़ता है 28 डिग्री हेलिक्स विथ 20 डिग्री बेस पेयर टिल्ट होते हैं, इसका डिग्री एंगल भी है 33 ट्विस्ट एंगल है 2.3 नैनोमीटर हेलिक्स का डायमीटर है उसका आपको 20 एमस्ट्रॉन्ग था। मुझे भी था आपको ये समझ आ रहा है,
नेक्स्ट यहाँ देखते हो जेड फॉर्म डीएनए। जेड फॉर्म आपको जो है ये लेफ्ट हैंडेड कॉइल्ड है और जिग जैग होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है फास्फो डाइएस्टर जो इसमें बैकबोन है। जेड फॉर्म जो है डैट कैन बी फॉर्म इन द डीएनए इज इन एन अल्टरनेटिंग प्यूरिन पिरिमिडिन सीक्वेंस सच एज द जी सी। जब ऐसी सीक्वेंस बनती है तो जेड फॉर्म बन जाती है जिग जैग पैटर्न। और इसमें आपको द बिग डिफरेंस क्या है, द जी न्यूक्लियोटाइड इट हैज़ C3 एंडो कॉन्फॉर्मेशन लाइक ए एंड इन कंट्रास्ट टू बी एंड द ग्वाइनिन बेस इज इन सिन कॉन्फॉर्मेशन दैट इज एडिशन ऑफ टू सब्सिट्यूएंट ऑन सेम साइड। इसमें दो सब्सिट्यूएंट सेम साइड जुड़े होते हैं ग्वाइनिन के साथ और इसमें दिस प्लेसेज द ग्वाइनिन बैक ओवर द शुगर रिंग इन कंट्रास्ट टू द यूजल एंटी कन्फर्मेशन सीन इन ए एंड बी। इसका जो शुगर के साथ ग्वाइनिन की अलाइनमेंट है ए एंड बी डीएनए से डिफर होती है। और उसके बाद फ्रेंड्स डुप्लेक्स इन द जेड फॉर्म हैज़ टू अकोमोडेट द डिस्टोशन इन दिस न्यूक्लियोटाइड फॉर सिन कन्फर्मेशन। इसमें थोड़ी डिस्टोशन है। द साइटोसिन इन एडजस्टेंट न्यूक्लियोटाइड ऑफ जेड इज नॉर्मल C2 एंडो कन्फर्मेशन। साइटोसिन की एंडो कन्फर्मेशन होती है नॉर्मल, ये थोड़ा डिस्टोर्टेड है। डिस्कवर्ड बाय रिच नॉर्थम एंड विंग, इसको इन्होंने 1984 में डिस्कवर किया था। इट हैज़ एंटी पैरेलल स्टैंड एज बी फॉर्म, इट इज़ अ लॉन्ग थिन कंपेयर टू द बी। 12 बेस पेयर पैटर्न है, 0.45 नैनोमीटर एक्सियल राइज है, 45 हाई पिच है, 7 डिग्री पिथ टिल्थ है। और नेक्स्ट आप कंडीशन जो फेवर करती हैं ए फॉर्म बी फॉर्म जेड फॉर्म एंड ऑफ डीएनए। सो वेदर ए डीएनए सीक्वेंस विल बी इन ए बी जेड, डीएनए कन्फर्मेशन डिपेंड ऑन एटलीस्ट थ्री कंडीशन। तीन कंडीशन है जिसके ऊपर डीएनए की वेरिएशन आती है। पहले यहाँ पे है, फर्स्ट इज द आयनिक और हाइड्रेशन इन्वायरमेंट विच कैन फैसिलिटेट कन्वर्जन बिटवीन डिफरेंट हेलिकल कन्फर्मेशन। ए डी एन ए इज़ फेवर्ड बाई लो हाइड्रेशन वेयर एज द जेड बाई द हाई साल्ट। जब साल्ट कंसनट्रेशन कम होगी तो ए बनेगा, ज़्यादा होगी तो जेड बनेगा, यानी किस कौन सा सेल का मीडियम और इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट इज द डी एन ए इज़ जो ए डी एन ए है वो फेवर्ड होता है बाई द सर्टेन स्ट्रेचेस ऑफ प्यूरिन और पिरिमिडिन वेयर एज द जेड कैन बी ऑलमोस्ट रेडली फाउंड बाई अल्टरिंग प्यूरिन एंड पिरिमिडिन स्टेप। प्यूरिन पिरिमिडिन के अगर स्टेप में थोड़ी अल्टरेशन आ जाए, अल्टरनेटिंग फॉर्म बने जब, तो वो बनता है जेड। और जब प्यूरिन एंड पिरिमिडिन के स्ट्रेच में थोड़ा सा स्टैंड में स्ट्रेच थोड़ा आएगा तो वो बनेगा ए। जो थर्ड कंडीशन है यहाँ पे डीएनए इन वन हेलिक्स कन्फर्मेशन एंड फोर्स द डीएनए टू अडॉप्ट ए डिफरेंट कन्फर्मेशन सच एज द प्रोटीन विच वाइंड टू वी डीएनए एंड कैन ड्राइव इट टू आइदर ए और जेड फॉर्म। प्रोटीन की वाइंडिंग किस लेवल पे हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, किसके साथ हो रही है, तो इससे डीएनए बनते हैं। इन लिविंग सेल मोस्ट ऑफ द डीएनए इज़ द मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, यानी लिविंग सेल में डीएनए कभी ए फॉर्म ले लेता है, कभी बी फॉर्म ले लेता है। विद ए फ्यू स्मॉल रीजन, कई थोड़े क्रोमोसोम के एरियाज होते हैं उसमें जेड डीएनए होता है। अनदर भी फॉर्म्स हैं, यह सी डीएनए है। इसमें 66% रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब आ जाती है तब तो बनता है। लिथियम मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, राइट हैंड कॉइल्ड है ये। 33 बेस पेयर पार्टर्न है, बाकी इसके आप डिमेंशंस लिख सकते हो, मुझे उम्मीद है आपने लिख ली होंगी। उसके बाद है डी डी एन ए और ये रेयर वेरिएंट है। इसमें 8 पेयर होते हैं बेस पेयर एक टर्न में और बाकी इसका टिल्ट एंगल वगैरह देख सकते हो। उसके बाद आपके पास हैं दो डी एन ए, सॉरी लास्ट में है ई डी एन ए, एक्सटेंडेड और ई सेंट्रिक डी एन ए है। ये लॉन्ग हेलिकल एक्सिस राइज है इसमें और बेस परपेंडिकुलर टू हेलिकल एक्सिस। ई डी एन ए अलाउ टू क्रिस्टलाइज फॉर ए पीरियड टाइम लॉन्गर, द मिथाइलेटेड सीक्वेंस फॉर्म ए स्ट्रेच ऑफ ए डी एन ए। सो क्रिस्टलाइजेशन से ये बनता है। सो ई डी एन ए इज़ द इंटरमीडिएट इन द क्रिस्टेलोग्राफिक पाथवे फ्रॉम बी टू ए, यानी जब बी डी एन ए से ए डी एन ए बनना होता है तो उसके मिड में ई डी एन ए बनता है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मुझे बताना कैसा आपको वीडियो लगा, जो मेरे नोट्स आपको कैसे लगे हैं, कोई इसमें कंफ्यूजन है।
कमी रही होगी, कोई ना कोई कमियां तो होती हैं, बट मेरा मोटिव यही है कि आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिले, वैलिड मिले और सही मिले, ताकि आपकी लाइफ में ये काम आए और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास हो पाएँ। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर इंफॉर्मेटिव अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।